प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी देखी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र है। खास बात यह है कि सेंटर महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के मौके पर की थी। वहीं अब महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाया। देश की आजादी में आज की तारीख यानी 8 अगस्त का बहुत बड़ा योगदान है। आज के ही दिन 1942 में 1942 में गांधी जी की अगुवाई में आजादी के लिए एक विराट जन आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उस दिन लगा था। ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। ये केंद्र बापू के स्वच्छाग्रह के प्रति 130 करोड़ भारतीयों की कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। साथियों, पूज्य बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिंब देखते थे। आपको बता दें कि इस केंद्र में स्थित सभागार में आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से रूबरू कराया जाएगा। साथ ही केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान देने वाले स्वच्छता ग्रहियों के काम को भी अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। रिपोर्ट अमृत विचार।